एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भोपाल के सभी प्रवेश मार्गों पर प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे और इनके नाम भगवान राम, श्री कृष्ण, राजा भोज और राजा विक्रमादित्य और मध्य प्रदेश के गौरवान्वित करने वाले महापुरुषों के नाम पर होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि फौजी जैसे देश के लिए काम करते हैं, वैसे ही स्वच्छता कर्मी भी समाज के लिए काम करते हैं। 19 सितंबर को राष्ट्रपति ने उज्जैन में स्वच्छता कर्मियों का सम्मान किया। महात्मा गांधी ने आजादी से लेकर स्वच्छता के लिए काम किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के काम में सुशासन और स्वच्छता भी शामिल है। यादव ने कहा, अब भोपाल में प्रवेश के लिए हर तरफ द्वार बनाए जाएंगे जिनके नाम भगवान राम, श्री कृष्ण, राजा भोज, राजा विक्रमादित्य और मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के सफाई पखवाड़ा अभियान के शानदार सोच के लिए बधाई देना चाहूंगा। हमारे परम पूज्य बापू महात्मा गांधी की जयंती, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर ये जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो पखवाड़ा चलाया गया, इसमें सभी प्रकार के आयोजनों के साथ सबसे प्रथम स्वच्छता अभियान का जो इसमें मूल भाव था, सफाई कर्मियों को मैं बधाई देना चाहूंगा। और इस पखवाड़े में तो मध्यदेश और गौरवान्वित हुआ है जब सफाई मित्रों को मध्यदेश में उज्जैन के अंदर राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सफाई स्वच्छता कर्मियों को मंच पर अभिनंदन किया गया था। आज भी यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रदेश भर के सभी स्वच्छता कर्मियों को न केवल प्रोत्साहन दिया गया, पुरस्कृत किया गया, बल्कि अनुकंपा नियुक्ति तक दी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे अभियान से जुड़कर जो मूल भावना है, स्वच्छता को जीवन भर हम अपनाए और सरकार सभी ऐसे कामों को लेकर चलेगी जिसके माध्यम से समाज में सुशासन भी हो, स्वच्छता भी हो और इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारे यहाँ जातिगत असमानता का जो व्यवहार है उसको भी रोका जा सके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।